गाइस वेलकम टू एम लेट्स चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस अभी जो है वो मुझे है छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, तो इस वजह से आज जो है वो सैटरडे है। मंडे को मैंने ऑफिस जाना है तो सैटरडे है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम कहीं बाहर डिनर करके आए। तो डिनर तो नहीं, मे बी डिनर भी कर लें, लेकिन वैसे जो है हम खाने जा रहे हैं गोलगप्पे और साथ में फलूदा। तो जो है अभी डिसाइड होगा रास्ते में कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि भाई को जगहों का पता होता है, तो इसलिए हम जो हैं वो उन पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि चलो। वो कहते हैं अभी क्या खुला होगा, कुछ नहीं खुला होगा, लेकिन जो है हमने कहा कि नहीं आप हमें लेकर जाएं। तो भाभी भी नीचे बैठी हुई थी तो वो भी तैयार होने चली गई हैं। मामा भी लेटी हुई हैं, कह रही थी कि मैं अभी जो है वो हो जाऊँगी तैयार और उसके बाद मैं जो हूँ वो हो गई हूँ तैयार। मैं जो है मैंने क्या किया है कि जो थोड़े से लग रहे थे कि थोड़े थोड़े प्रेस हैं वही कपड़े पहन लिए हैं, ठीक है, और मैं हो गई हूँ रेडी। क्योंकि जो है ना शुक्र है कि ऐसे जब जाना होता है ना तो मुझे मेकअप करो, कपड़े प्रेस करो, बस ठीक है ऐसे ही चले जो, और जो है वो बंदा रेडी होता है। तो अभी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ गए हैं। मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो अभी तक पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मामा और भाई जो है वो रोड्स की बात कर रही हैं। मामा कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रही हम किस साइड पे जा रहे हैं, बहुत सी न्यू रोड्स बन गई हैं, तो बस अभी हम तलाश ही कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। यहाँ डेरा भी नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत सारे जो वो है रेस्टोरेंट वो बंद हैं ईद की वजह से, इसलिए ये देखिए ये है जेपी, ये देखें बहुत रिच था। और जो है अभी ये जो है मेरे लाइट सा चाहिए मुझे, आप लोग जो मर्जी खाओ, ऑफिस के पास पास आ गए हैं। अब कुछ और है ही नहीं तो वही खाता, सर्चिंग में लगे हुए हैं। और मैं मुझे तो खुशी हो रही है कि घूमना पड़ रहा है क्योंकि मैंने पहले कहा था कि दूर जाना करीब नहीं, वरना ये करीब वाली जगह पे कह रहे थे कि चलते हैं। और ये देखें यहाँ पे हम आ गए हैं चाइनीज रेस्टोरेंट, जो कि फर्स्ट टाइम मामा और मैंने देखा है और मे भी भाभी ने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। ये देखें नाम चेक करें। कहाँ आए हो? नाम बना रहा बस हमें मिल नहीं रही थी जगह कुछ तो मिला है ये देखें गाइस हम जा रहे हैं ऊपर, हमें कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा था। अब पहले देसी हमने खाना था लेकिन अब कुछ नहीं मिलने की वजह से हमने चाइनीज चूज कर लिया। सारी शक्लों ने सड़कों की अजीब कर दी है, मुझे समझ नहीं आती कि क्या हाँ जाना तो क्या करूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये बना भी सारा पता नहीं क्या था और क्या कर दिया है। इधर क्या था? अच्छा पीछे वाल्टन एयर, इस आग नर्सरी वगैरह थे ना जी। गाइस तो अभी जो है वो मॉर्निंग है, रात को हम लेट आए थे इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम बाहर गए थे
तो जो है वो सारी जगह, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन हमें मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि जो है वो ईद है और ईद पे जो है वो खुली नहीं होती। तो ये अंदाज़ा सारे कह तो रहे थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ नहीं खुली हुई, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, सारे जो वर्कर्स हैं वो गाँव गए होते हैं या छुट्टियों पे होते हैं, तो इसलिए जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स हैं वो, होटल्स तो नहीं, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद होते हैं। तो जो है मैं कह भी रही थी कि जो है ना मेरे ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ से खा लेते हैं, लेकिन जो है कोई भी माना नहीं। तो इसी के साथ गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और थैंक यू सो मच उन न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए जो आते हैं और कमेंट करके बताते हैं, तो बहुत खुशी होती है, एप्रिसिएशन मिलती है कि आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं। इसी तरह आगे भी अपना प्यार बनाए रखें, और जो भी सब्सक्राइब करे या जो भी ब्लॉग देखे वो प्लीज़ जो है वो कमेंट ज़रूर किया करे। ओके, खुदा हाफिज़।